जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों से लड़ते हुए देश के लिए बलिदान देने वाले 33 सैन्य कर्मियों व जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की वीरता का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने कई जिलों में शिक्षण संस्थानों, सड़कों, चौकों, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड व खेल मैदान आदि उनके नाम पर करने का फैसला किया है। उपराज्यपाल ने यह आदेश बीते दिन जारी किया। आदेश के मुताबिक डिग्री कॉलेज बॉयज अंतनाग का नाम बलिदानी डीएसपी हिमायू मुजम्मिल के नाम पर रखा गया है, तो वहीं गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नरवाड़ा का नाम बलिदानी इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी के नाम पर किया गया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब एक बार फिर तनाव दिखा है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों को लद्दाखी चरवाहों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि अपने गांव चेराहा में मवेशियों को चरा रहे लद्दाखियों को चीनी सैनिकों ने ऐसा करने से रोका। इस पर लद्दाखी चरवाहों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे चीनी सैनिकों पर पत्थर फेंक कर उन्हें खदेड़ दिया। चुशूल के स्थानीय पार्षद कोचुंग स्टैंजिन ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी किया। मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ दो महीनों का सूखा खत्म हो गया। आम जनता, किसानों और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग में रुक रुक कर बारिश होती रही, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग समेत अन्य इलाकों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भद्रवाह अब अन्य क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पर्यटक भद्रवाह की ओर खूबसूरत वादी की तरफ रुख कर रहे हैं। कश्मीर में एलओसी के साथ सटे उरी में एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में वाहन में सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हैं। कई इनमें गंभीर है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। सुरक्षा बल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा से जुड़े सहायक कर्मियों के मानसिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 4000 मनरेगा कर्मियों को लाभ मिलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मनरेगा के सहायक कर्मियों का पारिश्रमिक बढ़ाने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये एक पुरानी मांग थी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। संसद के बजट सत्र की शुरुआत के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने संसद में हंगामा करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग आदतन हुड़दंग करते हैं, ऐसे बर्ताव से लोकतंत्र का चीरहरण होता है। उन्होंने सांसदों से अपील करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी के बजट भाषण में सरकार की मजबूत आर्थिक नीतियों की तस्वीर पेश करेंगी। संसद के बजट सत्र के पहले दिन यहां दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार संपूर्ण सीमा और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचों का विकास कर रही है। पिछली सरकारों द्वारा इसकी अपेक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये काम बहुत पहले प्राथमिकता के आधार पर हो जाना चाहिए था। वहीं राष्ट्रपति ने आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति पर जवाब दे रही है। शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयास हमारे लिए सार्थक परिणाम लाएंगे।